19 मई को देश में लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए मतदान चल रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जा पहुंचे केदारनाथ धाम। मोदी ने भगवान केदार के दर्शन किए, वहीं ध्यान गुफा में ध्यान भी लगाया। मेनस्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी मोदी की शिव भक्ति छा गई। लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह खबर तस्वीरों के साथ वायरल हो रही है कि मोदी केदारनाथ मंदिर में जूते पहनकर चले गए, तो इस दावे में आखिर कितना दम है, आइए परखते हैं। ये लोग सालों तक राफेल विमानों के सौदे पर बैठे रहे और जब सरकार जाने की बारी आई तो उसको ठंडे बस्ते में फेंक दिया। कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की महामिलावट क्या भारत को मजबूत बना सकती है? वे तो नामदार है, कामदार की परवाह वो कभी कर ही नहीं सकते और इसलिए उनसे अपेक्षा करना बेकार है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक थे। पूरे प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने जैसे पूरे देश को ही नाप डाला। अपनी सरकार की खूबियां बखानी तो विपक्ष पर करारे हमले की। आपको तय करना है कि अब देश में ईमानदार चौकीदार चलेंगे या भ्रष्टाचारी नामदार, हिंदुस्तान के हीरो चलेंगे या पाकिस्तान के पैरवीकार। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सारे नेताओं की जहां सांस अटकी थी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में चले गए। केदारधाम में मोदी ने भगवान केदारनाथ की आराधना की, उनका अभिषेक किया, विधि विधान से पूजा पाठ किया। मोदी ने केदारनाथ की परिक्रमा की। आखिरी चरण का भी अभी मतदान पूरा नहीं हुआ था कि मोदी बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंच गए थे। पुजारियों ने मोदी की प्रचंड जीत के लिए पूजा की, जीत का आशीर्वाद भी दिया। ये जैसे नियम होता है पूजा का, भाई पूजा हो गई, पहले सुरसुपजार पूजा हो गई, रुद्राभिषेक पाठ हो गया, उसके बाद वो भगवान के क्षमा याचना करके बाहर आते हैं और ऐसी पूजा हुई है। और आज मोदी जी बहुत अच्छे यहाँ समय लेकर के आए हमारे बीच में जी, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ केदार धाम में बाबा भोलेनाथ के दर्शन ही नहीं किए बल्कि उसी के पास ध्यान गुफा में बैठकर उन्होंने पूरी रात ध्यान किया। पूरा देश मोदी की इस केदारधाम यात्रा का मुरीद बना हुआ था। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भगवान भोलेनाथ के ऐसे दर्शन किए थे, उनके दरबार में इस तरह हाजिरी लगाई थी। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर वायरल हो गई जिसने देश भर में हलचल मचा दी। चुनाव में मोदी ने भगवान केदारनाथ से जीत का आशीर्वाद मांगा तो मंदिर में मोदी शिव भक्त की तरह पहुंचे थे। तन पर पारंपरिक गढ़वाली लबादा था, कांधे पर शिवजी के वस्त्रों के रंग की लंबी शॉल थी। लेकिन वायरल खबर में दावा किया गया कि मोदी ने जूते पहनकर केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर लिया। इस वायरल तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि मोदी मंदिर परिसर में अंदर जूते पहनकर गए। तस्वीर में मोदी मंदिर के निकास द्वार पर हाथ जोड़कर खड़े दिख रहे हैं। फेसबुक पेज माधुरी दीक्षित ने यह तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, बाबा के मंदिर में जूते पहनकर जाते हुए हिंदू हृदय सम्राट। फेसबुक पर यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल होने लगी। 15,000 से ज्यादा बार ये तस्वीर और पोस्ट शेयर हो गई। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी ने जूते पहनकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए? इस सवाल का जवाब जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तो महाशिव भक्त की छवि दुनिया भर में मशहूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का मौका कभी नहीं चूकते। जब भी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस जाते हैं तो वहां काशी विश्वनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 बार तो वो केदारनाथ और 2 बार नेपाल में बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन भी कर चुके हैं। तो फिर इतने बड़े शिव भक्त होने के बावजूद मोदी भला ऐसी गलती कैसे कर सकते थे कि जूते पहनकर भगवान भोलेनाथ के दरबार में चले जाएं? हमने इस वायरल खबर की पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें प्रधानमंत्री मोदी की आधिकारिक वेबसाइट पर ये वीडियो मिला। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी जूते पहनकर आते हैं
मंदिर के बाहर रुकते हैं, जहां एक तरफ एक सोफा रखा है और उसके पास ऊन से बने दो जोड़ी मोजे रखे दिख रहे हैं। मोदी यहां अपनी छड़ी रखते हैं। यहीं पर बैठकर मोदी ने अपने जूते उतारे थे और बिना सोल वाले ऊनी मोजे पहनकर वो भीतर गए थे। 19 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे थे। मैंने खुद उनकी इस यात्रा को कवर किया। हमने देखा कि वो काले रंग के जूते पहनकर मंदिर पहुंचे थे। मंदिर के अंदर जाने से पहले उन्होंने जूते उतार दिए। वो गहरे नीले रंग के मोजे पहनकर मंदिर के भीतर गए थे। 19 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे थे। हमारी पड़ताल में ये भी पता चला कि केदारनाथ मंदिर परिसर में चमड़े से बनी चीजें जैसे जूते, पर्स, बेल्ट वगैरह ले जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, ऊन से बने मोजे पहनकर भीतर जा सकते हैं। पीएम मोदी ने इस दिन की कुछ तस्वीरें ट्वीट भी की थी। इनमें से एक तस्वीर में उन्हें काले रंग के मोटे सोल वाले जूते पहनने देखा जा सकता है, जबकि मंदिर परिसर में उन्होंने जिन मोजों में प्रवेश किया उनके नीचे इस तरह का सोल दिखाई नहीं देता। हमारी पड़ताल में पीएम मोदी से जुड़ी यह खबर पूरी तरह फेल हो गई। अमनप्रीत कौर के साथ मंजीत नेगी, वायरल टेस्ट टीम आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।